आज हम आए हैं तिगरी बॉर्डर पे, और तिगरी बॉर्डर वो स्थान है जहाँ पे करीब 22 किलोमीटर के क्षेत्र में ये जो मोर्चा है ये फैला हुआ है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पूरा बॉर्डर है ये महिलाएं वार्ड यहाँ पे हैं, और आप ये देखेंगे कि ये माई भागो निवास स्थान है जो 40 गुरु गोविंद सिंह के साथ में 40 जो लोग लड़े थे उनमें से माई भागो भी एक थी और बड़ा योगदान लड़ाई में इनका रहा, तो उनके नाम से यहाँ पर निवास स्थान बनाया गया है। सोनिया मान जी है, बाबे ये है यहाँ पे, और भी सब लोग यहाँ पे हैं। आप इसका अंदर का हम लोग दिखाते हैं कि किस तरह से ये उन्होंने निवास बनाए हैं यहाँ पे। ये कैमरा मैन, ये देखो यहाँ पे इस तरह का ये पूरे निवास स्थान बनाए गए हैं जो माताओं के लिए हैं। ये पूरा यहाँ पे सीनरी फोटोग्राफर और ये सब लगाए गए हैं यहाँ पे। ये बेड लगाए गए हैं, कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं, और काफी हाइट के ये मकान यहाँ पर बनाए गए हैं। अभी आप देखोगे इस तरह के और भी मकान मिलेंगे। ये पूरी जो सीनरी है ये यहाँ पे फोटोग्राफी कराई गई है यहाँ पे। ये जो हल है जो इनको मिले यहाँ पे वो लगाए गए हैं, ये पूरे फोटोग्राफी यहाँ पे करी गई है, और ये बढ़कर तैयार यहाँ पे हो जाएंगे। आप पहाड़ को दिखाते हैं, आप ही कराओ यहाँ पे पूरा एक जो डॉक्टर का जो कैंप यहाँ पर चला हुआ है। आओ जी अभी हम घूमते हैं, पूरा जो कैंप भी हम दिखाते हैं यहाँ पे, कैंप भी चले हुए हैं। पूरा पड़ी हुई है यहाँ पे, इसका जो नाम है दिखाते हुए, नाम भी इसका है पिंड कैलिफोर्निया, मतलब पिंड का मतलब पंजाबी में गांव को पिंड कहते हैं। और कैलिफोर्निया जो यहाँ के डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम होगा उनका स्वयमान सिंह डॉक्टर है, उन्होंने पूरा ये जो एक बस अड्डा था पुराना, इस बस अड्डे की पूरे की रिपेयरिंग करी, इस पे पुताई करवाई, और यहाँ पे इसमें पूरा वे हॉस्पिटल यहाँ पे चला रहे हैं। और इसका जो गांव का नाम भी रख दिया यहाँ पे, गांव का पिंड कैलिफोर्निया नाम से यहाँ पर रखा गया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अभी हैं, और ये मोर्चा करीब 22 किलोमीटर में ये मोर्चा फैला हुआ है। आज पूरा दिन हम यहाँ तिगरी बॉर्डर पर रहेंगे, लोगों से यहाँ पे मिलेंगे, उनके जो भंडारे हैं उसमें जाएंगे, और अलग अलग तरीके की लोगों ने व्यवस्था यहाँ पे करी गई है। बढ़िया बढ़िया यहाँ पे मकान बनाए गए हैं, यहीं पे ही लोग रह रहे हैं, तो इसी तरह की व्यवस्था हर जो मोर्चे हैं जितने भी हमारे उस पर रहनी चाहिए, क्योंकि 26 तारीख को 6 महीने पूरे इस मोर्चों को हो जाएंगे। और हम यही कह आए थे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से कि 6 महीने का राशन लेकर किसान दिल्ली की तरफ कुचले, तो ये लगता है कि सरकार बातचीत नहीं करेगी, तो आगे का प्रोग्राम फिर हमको बनाना पड़ेगा, फिर इसको मोर्चे को स्टैंड करना पड़ेगा। तो ये 26 तारीख के बाद में एक बड़ा निर्णय फिर ये किसान संगठन लेगा, और मोर्चे को आगे फिर स्टैंड तो मोर्चा होगा ही, राशन पानी फिर लेकर आएंगे। यहाँ कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, आज पूरे उसमें क्षेत्र में हम यहाँ पे घूम के देख रहे हैं। और जो कोरोना काल ये चला हुआ है, इसको हम कोरोना काल हम इसको कहेंगे, इसमें यहाँ पे लोग डिस्टेंस बना कर रखते हैं, जो भी उसके जो कोविड के जो गाइडलाइंस है उसको लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे। और एक गलत प्रचार यहाँ पे करा जा रहा था कि उसको फॉलो नहीं लोग कर रहे, यहाँ पे जो गांव से ज्यादा लोग कोविड को यहाँ पे फॉलो करते हैं, यहाँ पे उसकी वैक्सीनेशन भी यहाँ पे लोग करवा रहे हैं, यहाँ पे जो फॉगिंग है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं लोग। और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे भी यहाँ पे पूर्ण रूप से लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। और ये आंदोलन कब चलेगा, कितना लंबा चलेगा, ये एक वैचारिक क्रांति है, और वैचारिक क्रांति कभी भी बंदूक से नहीं दब सकती। सरकार जब बातचीत करना चाहेगी, संयुक्त मोर्चा हमसे बातचीत करेगा, हमारे जो मसले हैं वे मसले हमारे खत्म नहीं हुए, और जब तक हमारे मसले खत्म नहीं होंगे, ये किसानों ने निर्णय ले लिया है कि देश का किसान दिल्ली के मोर्चों को नहीं छोड़ेगा। और ये पूरा हम आपको दिखाते भी रहेंगे, और आपको वीडियो यहाँ का बढ़ा के भेजते रहेंगे। और ये तिगरी बॉर्डर से किसान क्रांति जितने भी वीर हैं उन सब की तरफ से राकेश टिकैत, किसान क्रांति मोर्चा, तिगरी बॉर्डर।